हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एलडीपी कैलकुलेटर के गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो इन डिटेल में होगा। इस वीडियो के बाद आपको गेम ऑफ परसेंटेज का कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली। इससे ट्रेडिंग कैसे की जाती है या फिर इसका ट्रेडिंग में क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग आज डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो अभी देखते हैं, ठीक है, जो लोग नए आते हैं वीडियो देखने के लिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा मुझे वीडियोज बनाने का, आपको सिखाने का मोटिवेशन मुझे मिलने वाला है। और अगर आप इन डिटेल्स में सीखना चाहते हो एलटीपी कैलकुलेटर को किस तरीके से स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, स्टॉक के ऑप्शंस में, निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी, सब कुछ जगह पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर आप कैसे यूज कर सकते हो, उन चीजों को अगर आपको इन डिटेल में सीखना है तो फिर हमारा कम्युनिटी बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे नेसेसरी नहीं, अगर आपको जरूरत लगती है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो ही आप अपना कम्युनिटी बैच का जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, आई वॉन्ट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच। तो वहां पर 2500 ओनली फीस है और एक महीना में पूरा आपको सिखाने वाला। तो चलिए गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। वो आपने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा, ठीक है। गेम ऑफ परसेंटेज है क्या, इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर, तो हम लोग उसको ही अभी जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग कि गेम ऑफ परसेंटेज एक ऐसी थ्योरी है, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जहां पर लिखा हुआ है WTT और WTB। अब WTT और WTB क्या है, इसका फुल फॉर्म है वीक टुवर्ड्स टॉप, ये होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम। वीक टुवर्ड्स बॉटम यानी बॉटम की तरफ कमजोर। ऑप्शन चेन में एरो अगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ऑप्शन चेन का अगर स्ट्राइक प्राइस देखे तो बॉटम की तरफ मार्केट इस तरीके से दिखाई देता है। ऊपर की डायरेक्शन में जब एरो बनेगा तो हम लोग बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम, और डाउन साइड जब इस तरीके से एरो बनेगा तो वीक टुवर्ड्स टॉप, क्योंकि ऑप्शन चेन के अंदर टॉप यहाँ नीचे और बॉटम ऊपर की तरफ होता है, उल्टा होता है ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, यानी कि जो सपोर्ट होगा, ठीक है, जो एक्स वाई जेड सपोर्ट का जो भी प्राइस दिखाई देगा आपको, जैसे 22,500, 23,500 जो भी सपोर्ट होगा, अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम बता रहा है सिनारियो, तो हम लोगों को वहां पर जो सिचुएशन, जो स्ट्राइक प्राइस है वो कमजोर दिखाई देगी, और जहां पर येल्लो कलर बनता है वो हम लोगों को शिफ्टिंग के लिए रेडी होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हम लोग कैसे बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है, यहां तक बॉटम है ना। तो बॉटम का परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, लेट्स से वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी 80% है, ठीक है, मान लेते हैं कि बॉटम है सिचुएशन 80% वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो और परसेंटेज जो है वो 80 से 85, 80 से 90, 95, 90, 92, 93 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है परसेंटेज, तब उस कंडीशन में मार्केट जो है वो बियरिश होता है। और अगर परसेंटेज घट रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए कि 80% है वीक टुवर्ड्स बॉटम और 80 से 75 हो गया, 75 से 70 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केट बियरिश नहीं जाएगा, उस कंडीशन में मार्केट जो है वो बुलिश जाएगा, क्योंकि वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो था लेकिन परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों को हमेशा जो है वो परसेंटेज के ऊपर हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग चले जाते हैं और आपको वहां पर फिर परसेंटेज जो है वो दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि करीब करीब ओपन इंटरेस्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम 90% बता रहा है, यहां से लेकर यहां तक कितना बता रहा है, 90% वीक टुवर्ड्स बॉटम बता रहा है। आज छुट्टी है बकरीद की वजह से ये जो डेटा है वो लोड होने में शायद थोड़ा टाइम लगे, डोंट वरी, उसके बारे में टेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब देखो W ओपन इंटरेस्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम 85% है, ठीक है, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है हम लोगों को, और वो भी कितना परसेंट है, 85% है वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब मान लेते हैं कि ये कमजोर है बॉटम की तरफ, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर दिख रहा है कमजोर है बॉटम की तरफ, अब बॉटम की तरफ कमजोर है लेकिन
परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस एरो को छोड़ दीजिए, ठीक है। परसेंटेज का नंबर देखिए 85.57%, अगर ये 85 से ऊपर जाता है 86, 87, 88, 89, 90, इस तरीके से जाता है, यानी कि मार्केट जो है वो बियरिश जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर दोनों ही सिचुएशन में वीक टुवर्ड्स बॉटम कंडीशन है तो मार्केट क्रैश हो सकता है, मतलब 1-2% से ज्यादा का मार्केट जो है 1% से ज्यादा का गिर सकता है। अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिचुएशन है, 85% से मार्केट डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज, ठीक है ना, गेम ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज किसे बोलेंगे, जो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, 85 का 84, 83, 82, 80 इस तरीके से घटता जा रहा है, जो कमजोरी है वो घटती जा रही है, ठीक है, बढ़ नहीं रही है कमजोरी, घट रही है कमजोरी, परसेंटेज आपको दिखाएगा कमजोरी बढ़ रही है, वीक टुवर्ड्स बॉटम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर गिरने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है यही गलती करते हैं, यहाँ पर इसको देखना ही भूल जाते हैं कि कितने परसेंटेज है और परसेंटेज घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है, इसको ही लोग भूल जाते हैं। तो ये याद रखना कि हमेशा अगर परसेंटेज मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम है और परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट बियरिश जाएगा, अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट बियरिश नहीं जाएगा, मार्केट हो सकता है बुलिश चला जाए। तो यहाँ पर गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी हम लोगों को यही सिखाती है। अब बात कर लेते हैं वीक टुवर्ड्स टॉप। अब वीक टुवर्ड्स टॉप मतलब क्या, टॉप की तरफ कमजोर, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के संकेत हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो 23,500 पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, 23,500 पर दिखाई दे रहा है, और मार्केट जो है वो अभी 23,400 पर ट्रेड कर रहा है, 23,400 पर मार्केट जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है, और वीक टुवर्ड्स टॉप है सिनारियो, ठीक है ना, WTT है, वीक टुवर्ड्स टॉप है सिनारियो, और सिनारियो जब वीक टुवर्ड्स टॉप है और उसका परसेंटेज अगर बढ़ रहा होगा, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चाहे वीक टुवर्ड्स टॉप हो, अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो जिस भी तरफ उसका सिनारियो कमजोर होगा, यानी कि वीक टुवर्ड्स अगर टॉप होगा और मार्केट में परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, चाहे वॉल्यूम का हो या फिर ओपन इंटरेस्ट का, वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है तो टॉप की तरफ कमजोर है, मतलब बुलिश ही बनेगा। ऐसे में क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। उसी की उल्टी कंडीशन में वीक टुवर्ड्स टॉप तो है, लेकिन मैंने जैसे बोला परसेंटेज 85 से अगर बढ़ रहा है, 85 से 90 हो रहा है, 95 हो रहा है, तब तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन 85 से अगर परसेंटेज 80 हो रहा है या फिर 75 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मार्केट बियरिश जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रांगनेस की तरफ बढ़ जाता है मार्केट, और स्ट्रांगनेस मतलब क्या, रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ भी रेजिस्टेंस लेकर के गिर सकता है। इसी तरीके से आप लोगों को जो है वो गेम ऑफ परसेंटेज के ऊपर हमेशा ध्यान रखना होता है, और बहुत सारे लोग जो है इसी को मिस आउट कर जाते हैं, यहाँ पर कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम है या फिर कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप है यही नहीं देखते। और एक मेजोरिटी प्रॉब्लम लोगों के अंदर यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर के साथ है कि अगर कोई शिफ्टिंग हो रखी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो था, येलो कलर यहाँ पर था, अब ये ब्लू कलर जो है वो 100% यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यानी कि अब यहाँ पर ब्लू कलर आ गया और यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है तो येलो कलर यहाँ पर बन गया, तो वो लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको कि ये वीक टुवर्ड स्टॉप है और कॉल बाय कर लेते हैं, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना है, हमेशा हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देखना है कि ये सचमुच यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है या फिर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, ये हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देखना पड़ेगा। अगर ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है तो हम लोग इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहेंगे, ठीक है, आपको, आप लोग समझ रहे हो, अगर पहले हाईएस्ट वॉल्यूम यहां पर था और येलो कलर यहां पर था और ये शिफ्ट हुआ है यहां पर 100%, ठीक है, तो उसको उस कंडीशन में इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम हम लोग नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि शिफ्ट हुआ, अब इसका परसेंटेज डिक्रीज होने का वेट करो, जब जब भी इसका परसेंटेज डिक्रीज होगा मार्केट और बुलिश होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी, इन डिटेल्स में यहाँ पर वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से इसको सीखते हैं, और हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे तो आपके सवाल मेरे पास आएंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, उससे बाकी लोगों का भी, तो ये कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर हम लोग इंटरेक्शन करके आमने सामने बैठ करके हम लोग सीखते हैं, ऑनलाइन होता है ये प्रोग्राम, और यहाँ पर आप लोगों को आपके क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, मैं आपको आंसर करता हूँ, तो दूसरे लोगों से के क्वेश्चन से भी
है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में नहीं आया लेकिन दूसरे किसी स्टूडेंट के माइंड में आ गया, तो उन्होंने अगर पूछा तो आपको भी उसका जवाब मिल जाएगा अगर आपके माइंड में वो नहीं आया। तो ये कम्युनिटी बिल्ड होता है ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और फ्यूचर्स एंड इक्विटी ट्रेडिंग के लिए। हम लोग यहाँ पर सब कुछ सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है, सेंसिबल को कैसे यूज करना है, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करनी है, एलटीपी कैलकुलेटर से स्टॉक कैसे निकालने हैं, उसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंडेक्स का सब कुछ इन डेप्थ में हम लोग सीखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पर ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हर दिन देखने के लिए मिले। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।